दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया है, यानी कि स्टाम्प शुल्क माफ़ कर दिया है। यानी ब्लड रिलेशन में अगर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उस पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि ये योजना अभी यूपी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की है, लेकिन बाद में इस योजना को एक्सटेंड किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 14 जून को कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में योगी सरकार ने प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड में 6,000 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की फैसिलिटी दी गई है। इससे पहले 7% तक स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद केवल 5,000 रुपये के स्टैंप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा 1,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन लोग इस कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, योगी सरकार ने परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र वधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पोता पोती, नाती और नातिन आएंगे। अभी तक इन लोगों को भी स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती थी। अब किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 50,00,000 रुपए है तो उसकी रजिस्ट्री के लिए कम से कम 4,20,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले से ये काम मात्र 6,000 रुपए में हो जाएगा। यानी 50,00,000 की संपत्ति की रजिस्ट्री अगर आप किसी अपने करीबी के नाम, अपने परिवार के मेम्बर के नाम कर रहे हैं तो आपको करीब करीब 4,14,000 रुपये बच जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी। योगी सरकार ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया है। शुरुआत में ये योजना 6 महीने के लिए लागू होगी। बाद में इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस तरह की योजना देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पहले से ही एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस योजना से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।